हेलो दोस्तों रिपेयरिंग विद एस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है ये देखिए हमारे पास प्रेस आया है ये हीटिंग अपना कपड़े प्रेस करने वाला जो प्रेस होता है वही है ये और ये वजन वाला है दोस्तों पहले ये चलते थे लेकिन अब ऑटोमेटिक वाले आ गए हैं और इसमें थर्मोस्टेट वगैरह कुछ भी नहीं होता है ये देखिए बटन वगैरह का सिस्टम है इसमें जितना हीट होता है उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों हीट करना होता है जितना जिसको हीट चाहिए होता है उसके बाद इसको बंद कर देते हैं बाकी इसमें कुछ नहीं होता और इतनी आसानी से भाई इनको इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना आपके सामने कि आप भाई इसका काम बड़ी ही आसानी से कर लेंगे आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई इतने तरीके से आपको बता दूंगा ना कि आप सीख जाएंगे भाई गारंटी मैं देता हूँ देखिए दोस्तों ये सीरीज की चिमटी लगाई ऐसे ये देखिए सीरीज की चिमटी लगाई मैंने और देखिए कोई भी इसमें कोई भी मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं है लाइट वगैरह कोई भी नहीं आ रही है किसी भी प्रकार की तो चलिए दोस्तों इसके बटन को एक बार खोल के देख लेते हैं यहाँ पे बटन को खोल के देखेंगे कि बटन में कोई शायद प्रॉब्लम है बटन वगैरह जल तो नहीं गया वैसे ये मेरे को ठीक ठाक ही कंडीशन में लग रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ से खोल के कनेक्शन वगैरह भी देख लेंगे कि कोई कनेक्शन वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दोस्तों तो देख लीजिए भाई मेरे मेरे दोस्तों भाई जो भी मेरे नए भाई हैं सीख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे चैनल पर रिपेयरिंग सिखाई जाती है इतने बेस्ट तरीके से आपको बताएंगे देखिए सीरीज की चिमटी है आपको बटन कैसे चेक करना वो देख लीजिए देखिए ये मैंने बिड़ाई और देखिए बटन हम बंद चालू कर रहे हैं तो बटन शॉर्ट हो रहा है यानी हमारा बटन बिल्कुल ठीक है दोस्तों बटन बिल्कुल सही है तो हम क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पे एक नट होता है इसका ये दस नंबर का नट होता है दस ग्यारह नंबर का इसको खोल लेंगे यहीं से इस ये प्रेस खुलती है दोस्तों यहीं से ये प्रेस खुलती है वैसे कईयों में इसके ऊपर कवर लगा होता है इस मतलब पेज नट के ऊपर कवर लगा देते हैं तो कोई बात नहीं यहाँ से इसको हम ये वाला इसके ऊपर ना कवर लगा होता है कई कईयों में आपको लगा मिलेगा ठीक है तो इसको हम प्लास से ही खोल रहे हैं भाई और कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को शायद भाई टूल वगैरह इधर उधर हो गए एक दो दिन में मैं काम भी कर रहा हूँ तो ये देखिए ये देख लीजिए बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से जो नट वगैरह खुलते हैं वही हमारा सेम सिस्टम है इसमें कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आप आराम से खोल लेंगे इसको देखिए पेच ढीला कर लिया वैसे आपके पास रिंच वो होगी ना दस नंबर की चाबी उससे भी खुल जाएगा ये लेकिन अगर नहीं है तो नोक प्लास से भी खुल सकता है लेकिन नोक प्लास भी नहीं है तो भाई हम नॉर्मल प्लास से ही खोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ये आराम से काम हो जाता है भाई टूल है नहीं भी होता है समय पे कई बार हम काम करते हैं टूल नहीं होता है तो क्या भाई वह वो टूल के बिना भी, भी जुगाड़ से भी काम करना होता है भाई ठीक है देखिए दोस्तों ये खुल चुका है ये देखिए खुल चुका है अलग हो चुका है और ये देखिए इसके अंदर खाली ये देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ऐसे एलिमेंट लगा होता है ये जो है यहाँ पर इसके दो कनेक्शन होते हैं और एलिमेंट ये लगा होता है ठीक है अब देखिए ये एक पॉइंट है और एक इधर आगे पॉइंट है ठीक है ये दोनों पॉइंट होते हैं और इसे नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है ये ठीक है मैं दिखा रहा हूँ अब अब आपको क्या करना कैसे चेक करना वो मैं दिखा दे रहा हूँ सीरीज की चिमटी ली आपने ये देखिए भिड़ा के देखी और सीधा एलिमेंट पे लगा देनी ये देखिए एलिमेंट ने लोड लिया यानी हमारा एलिमेंट भी ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है एलिमेंट भी ठीक है मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ ये देखिए जैसे मैं इस पर लगा रहा हूँ तो हमारी सीरीज ऑन हो रही है यानी हमारा एलिमेंट सही है दोस्तों कोई भी सीरीज ऑन क्यों होगी क्योंकि 100 वाट से ऊपर है वो चीज़ अगर 100 वाट से कोई भी चीज़ ऊपर है तो वहाँ पे सीरीज़ हमारी जलेगी ठीक है दोस्तों ये चीज़ का आपको कंफर्म करा देता हूँ तो हमारी इस तार में गड़बड़ी है कहीं ना कहीं से ये तार हमारा खराब हो सकता है तो ख़राब कहाँ से हो सकता है वो भी चीज़ हम चेक करेंगे और कैसे करनी है दोस्तों मैंने कहा था ना कि आज के बाद मतलब जो मैं चीज़ दिखा देता हूँ वैसे लगभग कन्फर्म करा देता हूँ कि उस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कोई भी दिक्कत आए परेशानी आए भाई मैं आपका भाई ऐसे आपके लिए तैयार है आप कभी भी कॉल कीजिए मैसेज कीजिए आप पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत ठीक है दोस्तों हर प्रकार का भाई जितना आपके भाई को ज्ञान है वैसे लगभग सारी चीज़ें हम रिपेयर करते हैं कोई भी आल टोटल वन टू वन जितनी भी होती हैं सारी चीज़ें रिपेयर करते हैं कई चीज़ों की वीडियो ला देते हैं कई चीज़ों की नहीं डाल पाते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये तार है हमारा यहाँ ज्वाइंट है ये यह यहाँ से भी जॉइंट है तो यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे यहाँ से हमारे तार वगैरह सब अंदर ठीक ही दिख रहे हैं इसके अंदर जो भी है मोटे तार लगे हुए हैं तो वहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे इस तार में ही गड़बड़ी लग रही है लेकिन ये भी ज्वाइंट है तो दोस्तों ये इसकी जो प्लग वगैरह है ये भी अच्छा वाला है तो भाई यहाँ से भी तार वार खींच के देख लेना आपको और यहीं से मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रही है तो एक बार मैं ये तार खींच के देखिए दोस्तों मैंने जैसे ही खींचा वो तार अलग हो गया है यानी हमारा तार यहीं से कुछ गड़बड़ है ये देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तार ना भाई पता नहीं कस्टमर ने ही जुगाड़ कुछ कर रखा था ये देखिए ये अलग निकल गया हमारा ऐसे करके मतलब ये तार जो है भाई ये मेरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही मतलब मेरे हिसाब से ये तार इसमें थोड़ी हल्की पड़ रही है तो इसी वजह से ये गड़बड़ी आई है और कस्टमर भी शायद इसमें जुगाड़बाजी कर रखी थी पहले से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों जो लगा हुआ है वैसे ये चालीस छिहत्तर का तार है अच्छा होता है तो एक बार तार हम ये देखिए हमने अमेठा दिया और ये देखिए दूसरे चीरे पर जब चिमटी लगा रहे तो हमारा तार ये सही बता रही है कोई भी दिक्कत नहीं तार हमारा ओके हो गया समझ गए हम और उसके बाद देखिए दोस्तों अब इसको चेक करने का तरीका दोस्तों हर एक चीज़ को ये देखिए हमने चिमटी लगाई चिमटी लगाई अभी हमारा ये ये देखिए ये देखिए हमारा प्रेस मतलब चालू हो गया तो हमारा ये जो तार है इसमें कहीं कमी थी ये देखिए मैं खींच के दिखा देता तो हूँ भाई एक एक चीज़ दिखा दूंगा ये देखिए यहाँ पे स्पार्क होके तार ये जल गया है ठीक है अपना टाइट वाइट होके जो भी है यहाँ पे इसने धुआं भी दिया होगा हल्का सा और ये जल गया है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ये था हमारा फॉल्ट और क्लियर भी हो चुका है दोस्तों तो मतलब इस तरीके का भाई काम ना तो मतलब आप एक ही बार में सीख जाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं भाई अब मैंने सारे तरीके आपको बता दिए कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं काम ठीक है आप पहले यहाँ से चेक करें फिर यहाँ से करें मतलब टोटली आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो अभी तो मतलब ये मेरे को बता देना भाई ठीक है केवल इसमें ये देखिए यहाँ पे लीड आके लग जाती है और इस बटन के थ्रू इस सीरीज बनके इस एलिमेंट में जाती है ठीक है इस डोरी के थ्रू इसमें खाली तीन ही फाल्ट आते हैं दोस्तों एलिमेंट का बटन का और अपनी डोरी का बस और इसमें है ही कुछ नहीं भाई थर्मोस्टेट वगैरह इसमें होता नहीं है तो दोस्तों वैसे ही जैसे हमने खोला था वैसे ही तरीके से हम इसको बंद कर देंगे ठीक है आप देख लीजिए वैसे ही तरीके से जैसे हमने खोला था दोस्तों पूरी वीडियो इसलिए मैं बताता हूँ देखने के लिए कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे आपको ठीक है कभी आप थोड़ी वीडियो स्किप करके जाएंगे देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी तो भाई देख लीजिए कितने आराम से और कितने बेहतरीन तरीके से हम सिखाते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों सपोर्ट पूरा फ्री है हमारी तरफ से कोई सी भी चार्ज का ओ सॉरी किसी भी चीज़ का कोई एडवाइस का पैसा चार्ज नहीं है हमारे पास बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं हर चीज़ पूरी रिपेयरिंग आपको फ्री में सिखाएंगे कोई भी पैसा चार्ज नहीं है दोस्तों और कोई भी और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री है मेरी तरफ़ से दोस्तों किसी भी भाई के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं वो कैसी भी बात हमसे पूछ सकता है कोई बिजनेस वगैरह के बारे में भी हम बता देंगे दोस्तों मेरा ये सपना है कि भाई मैं सबको सिखाऊँ और सबको जो भी मेरे अंदर उमंग है कि भाई किसी का बिजनेस में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी हमसे कॉल कर सकता है कि भाई ऐसे आ रही है तो भी उसके लिए भी हम बता देंगे ठीक है दोस्तों तो मेरे जितने भी नए भाई हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि मेरे जितने बेरोज़गार भाई हैं उनको हमारा चैनल मिले और वो वीडियो देख के और रिपेयरिंग सीख सकें ठीक है दोस्तों ये देखिए मैंने तार वगैरह जोड़ दिए हैं बेहतरीन तरीके से और बस टेपिंग कर देंगे टेपी टेप भी अच्छा वाला लगाना है हमें देखिए वो टेप पड़ा था हमने नहीं उसको हाथ लगाया इसलिए मैं अच्छा अपना कंपनी का टेप निकालता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये देखिए टेप है मेरे पास एक ये कुछ स्पेशल है इसमें तो दोस्तों ये टेप ऐसा है कि भाई ये जहाँ भी चिपक जाता है बस चिपक के ही रह जाता है बहुत ही बढ़िया टेप है दोस्तों और सस्ता भी मिलता है ये पाँच रुपये की बिक्री में है ये लगभग मेरे को साढ़े तीन रुपये का पड़ता है और पाँच रुपये में बिकता है और दोस्तों ये मेरे काम भी आता है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चिपकता है तार वगैरह पे और कहीं भी तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ ऐसी जगह पर ठीक है और ये मजबूत भी रहता है टेप भी अच्छा वाला है तो देखिए दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है तो हमारे चैनल पर आना होगा और कोई भी दिक्कत आए कोई भी परेशानी आए तो उसके लिए हम तैयार हैं दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके का आपको फॉल्ट है और कोई भी रिपेयरिंग का सामान यदि आपको आपकी मार्केट में नहीं मिल रहा तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आप मेरे चैनल पर जाके कैटलॉग वो सॉरी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैं ये जो स्क्रीन पे चल रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप कैटलॉग देख सकते हैं आपको उसमें से कोई सामान चाहिए या कोई भी सामान उसमें नहीं है अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपके लिए ठीक है दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों वही सामान जो आपका नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता वो हमारे पास मिल जाता है कई कई बार आप लोग ढूंढते रहते हैं कोई नई चीज़ तो लगभग हमारे पास बहुत सारी दुकानों से टाइप है तो वो सामान हमारे पास मिल जाएगा तो देख लीजिए दोस्तों हमने इसको बेहतरीन तरीके से वो कर दिया है मतलब वैसे ही लगा दिया है और ये इसकी नलकी वगैरह ऐसे ही पहना दी है और ये बेहतरीन हो गया दोस्तों इस कस्टमर से ज़्यादा नहीं भाई मैं साठ रुपये चार्ज करूँगा जो कि मेरा चार्ज होगा और दोस्तों इसमें एक भी पैसा नहीं लगा फ्री में काम हुआ आपने देखा कि बिल्कुल फ्री में काम किया कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगा मेरा ठीक है तो ऐसे ही आप लोगों को भी काम करना और हर तरीके की रिपेयरिंग आपको अपनी दुकान पर करनी है भाई इसीलिए मैं हर टाइप की रिपेयरिंग अपने चैनल पर सिखाता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रिपेयरिंग हम नहीं करते हैं आप लोगों का सपोर्ट है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों मैं मेरी मेरे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का सपोर्ट इतना मिलेगा और बहुत ही बढ़िया ये देखिए हमारे प्रेस ने लोड लिया बहुत ही बेहतरीन चल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है ये देखिए जैसे ही हम बटन ऑन कर रहे हैं बल्ब जल रहा है तो यानी हमारे एलिमेंट तक करंट पहुंच रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है ये देखिए तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए लाइक